students, as last week I have given some work to you. Now, this week also, the next work I will give to you. What will be the our work that I am going to explain you? Dear students, you can see, first I will give work in two subjects, English and Hindi. In English subject, use of A and N. So, A or N, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये A और N, ये दोनों क्या है? Articles है. क्या है? Articles है. तो, इन articles का, A का उपयोग कहाँ होता है और N का कहाँ होता है? A का उपयोग बताने से पहले मैं आपका N का उपयोग बता रही हूँ. Because, if any letter, means not any letter, but for N, vowel letter. किसकी बात हो रही है या? Vowel की बात हो रही है. Vowel alphabet या vowel letters. Vowel letter कौन कौन से हैं? A, E, I, O and U. ये vowel letter है A, E, I, O, U. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vowels letter है. तो अगर कोई भी word in English, अगर उस word का first letter A हो या E हो या I हो या A, O हो या U हो, अगर फर्स्ट लेटर वोवेल्स है और उस स्पेलिंग्स की शुरुआत अगर वोवेल्स लेटर से हो रही है, तो उसके लिए हम एन आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं. किसका? एन आर्टिकल्स का. और इनको छोड़ करके, मतलब इस वोवेल्स को छोड़ करके, बाकी वाले जो 21 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है. तो अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर, मीन्स इस वोवेल को छोड़कर के दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई स्पेलिंग्स या वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उनके लिए हम ए आर्टिकल्स का यूज करते हैं, मतलब बिफोर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से पहले, अगर जिस जिस तरह से हिंदी में स्वर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक उसी तरह से भी जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो लेटर्स होते हैं उसको भी डिवाइडेड है स्वर और व्यंजन, मींस वोवेल्स और कॉन्सोनेंट. तो ये 5 लेटर्स वोवेल्स है, अदर लास्ट 21 लेटर्स दे आर कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए आर्टिकल्स का यूज होता है. नेक्स्ट, यूज ऑफ दिस एंड दैट. दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह. यह मीन्स कोई भी वस्तु अगर हमारे पास में है तो उसको बताने के लिए, उसको शो करने के लिए वी विल यूज दिस. एंड दैट, कोई भी वस्तु दैट इज फार फ्रॉम अस, अगर वो हमसे दूरी पे है, अगर उसकी पोजीशन, जो उसकी स्थिति है कुछ दूरी पे है, तो उसके लिए हम दैट, वह, इस वर्ड का यूज करेंगे. तो हमारे इस वर्कबुक में किस तरह से इसका यूज करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ द सब्जेक्ट हिंदी, ओ की मात्रा के शब्द और औ की मात्रा के शब्द. ऐसे शब्द जिनकी मात्रा ओ है, तो वो शब्द, उनका उच्चारण किस तरह से होगा, और ओ के बाद में जो नेक्स्ट जो स्वर आता है इन हिंदी में, हिंदी में अगला स्वर ओ आता है, तो उसकी मात्रा जहाँ जिस भी व्यंजन के साथ हो या स्वर के साथ हो तो लगती है, तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेम वर्क आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अवर वर्क. As I told you, use of A and N articles. A is mostly used before a word that start with a consonant. अगर कोई भी letter, first letter किसी word का अगर consonant है, तो उसके पहले हम A articles का use करते हैं. N is mostly used before a word that start with a vowel. अगर A, E, I, O, U से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम N आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, ए डॉग, ए पॉट, ए कार, ए पेन, ए पीकॉक, ए टाइगर, ए गर्ल। आप देख सकते हैं कि डी है, पी है, सी पी नेक्स्ट पी टी एंड जी, दीज ऑल आर कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले ए आर्टिकल्स का उपयोग हुआ है। एन, एन एप्पल, एन आई, एन इंक पॉट, एन ओवल, एन अम्ब्रेला, एन एक्स, एन एग। अब आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू ए ई, ये सारे क्या है, ये वोवेल्स लेटर है। तो इनके पहले एन आर्टिकल्स का उपयोग हुआ है। नाउ सम एक्सरसाइज, फिल ए और एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्य में हमें ए और एन का उपयोग करना है। इट इज ए रैट, इट इज एन ओवल, इट इज एन आई, इट इज ए बैट, इट इज एन इंक पॉट, इट इज ए पेन, इट इज एन अम्ब्रेला। राइट ए या एन फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और इनके साथ में वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनके पहले कौन सा आर्टिकल्स उपयोग होगा उनको हमें फिल करना है। एन आई, एन अम्ब्रेला, ए ट्री, एन एप्पल, ए गिफ्ट बॉक्स, एन इंक पाउच, ए पिन, एन ओवल, ए कार, ए डॉग। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज यूज़ ऑफ ए और एन, इस ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। अब इनका उपयोग कहाँ होता है, कि दिस का उपयोग होता है पास की वस्तुओं को बताने के लिए। अगर कोई वस्तु पास में है तो उसके लिए हम दिस, दिस इज़ ए बॉल, मतलब बॉल है लेकिन वो क्या पास में, मतलब यह एक बॉल है। दैट इज़ ए मैट, अब डिस्टेंस पे है, आप इसे एरो से पता कर सकते हैं कि जो मैट का और जो व्यक्ति कह रहा है उसके बीच में डिस्टेंस है, तो दैट इसका उपयोग हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें मैं रीड कर रही हूँ। दिस इज़ ए बॉल, दैट इज़ ए मैट, दिस इज़ ए कार, दैट इज़ ए हैन, दिस इज़ ए हैट, दैट इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए निप, दैट इज़ ए जिप, दिस इज़ ए टब, दैट इज़ एन एग। अब कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, लेट्स वी रीड दिस। दिस पिग इज़ बिग, दिस कप इज़ हॉट, दैट पैन इज़ रेड, दिस बॉय इज़ टॉल, दिस इज़ माई कैट, That is a big dog. This boy is fat. That hen is fat. That toy is red. That ball is big. This lad is sad. This mat is red. Read the following sentences. This is a pan. That is my mug. This tin is full. That is a big hill. This boy is fat. That cub is in the den. That tub is up. That bud is red. This is a bill. That mill is on the hill. Fill in the blanks using this or that. हमें this or that का उपयोग करते हुए ये जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करना है। पास में ही ये वस्तु है इसीलिए हमने दिस का उपयोग किया है। दिस इज ए बॉल, दैट इज ए फिश, दिस इज ए रैट, दैट इज ए हैन, दिस इज ए हैट, दैट इज ए फॉक्स, दिस इज ए बैट, दैट इज द सन। तो डिस्टेंस, अगर दूरी पे अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए दैट, और पास में है, नज़दीक में है तो उनको बताने के लिए हम दिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्क इन हिंदी सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, ओ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे कि ढ, ढ के साथ में ओ की मात्रा ऐड है, प्लस ल, इस ढो धन ल ढोल,
इन दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा नया शब्द बन जाता है, ढोल। मो प्लस र मोर, मो प्लस ती मोती, को प्लस ट कोट, गो प्लस ल गोल, झो प्लस प प्लस ड़ी झोपड़ी, मोगरा मोटर, जोकर कोहनी, इस तरह से। नेक्स्ट अगला औ की मात्रा वाले वर्ण हैं, औ की मात्रा के साथ में किस तरह से नए शब्द बने और उनका उच्चारण किस तरह से करेंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। म के साथ में औ की मात्रा को जोड़ा है तो मो प्लस सी मौशी, को प्लस डी कौड़ी, फो प्लस जी फौजी, पौधा मौका, चौसठ मौसम, गौरव कौशल, दौड़ना, इस तरह से ये औ की मात्रा के साथ में शब्द बने हैं। इस सप्ताह का कार्य आपका हिंदी और इंग्लिश विषय में इस तरह का रहेगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द वर्क इन मैथ्स एंड ईबीएस सब्जेक्ट। आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स काइंडली वॉट एवर वर्क वी आर गिविंग टू अस, दिस वर्क यू शुड हैव टू कम्प्लीट इन वन वीक एंड लर्न, बिकॉज हमारा जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है तो इस वर्क को करने के साथ में आपको इसे लर्न करना और रीड करना अति आवश्यक है। आई होप यू अंडरस्टूड इन वेरी बेटर वे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एन्जॉय योर दिस होल वीक, हैव ए नाइस डे।